हेलो गाइस, मून्स क्रिएटिविटी में आप सबको वेलकम। फ्रेंड्स, मेरे पिटूनियाज जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और इन प्लांट्स को मैं इस संडे खरीद के लाई हूँ मार्केट से। और ये मेरा रोज है, सेंटेड वाला रोज, बहुत ही खूबसूरत है। इसका कुछ नाम बताया था लेकिन मुझे याद नहीं, बस इसका जो शेड है मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं इसे लेकर आ गई। और देखिए, जो मेरा पिटूनिया का टावर है ये भी बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने प्लांट्स को एक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट बूस्टर आता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसको अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए, अच्छे से फ्रूटिंग करने के लिए जरूरी होता है। कभी कभी हमारे जो प्लांट है वो अचानक से, हम कितने भी फर्टिलाइजर डाले लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों वो फ्लावरिंग करना और फ्रूटिंग करना थोड़ा उसमें रुक जाता है। तो इसीलिए हमें कभी कभी हमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बूस्टर आता है हमें अपने प्लांट्स को देना पड़ता है। तो मैं आज एक बूस्टर अपने प्लांट को स्प्रे करूंगी। फ्रेंड्स, ये मैं लाई थी, देखिए ऐसे ये बूस्टर मैं लाई हूँ। इसका प्राइस लिया है, ये 26 लिखा है लेकिन उसने, शॉप वाले ने मुझसे 20 रुपीज लिया है। ये आप वेजिटेबल्स प्लांट में और अपने फ्लावर प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में आप इसको स्प्रे कर सकते हो। तो इसमें जो डोज लिखा है फ्रेंड्स, 10 लीटर पानी में आपको 6 से 7 ड्रॉप आपको देना है। 10 लीटर पानी में आपको 6 से 7 ड्रॉप देना है। और अगर आप ब्रिंजल के प्लांट में स्प्रे करना चाहते हो तो आपको 10 लीटर पानी में आपको 8 से 10 ड्रॉप्स आपको देना पड़ेगा। और ब्रिंजल के प्लांट में आपको हर हफ्ते में इसको स्प्रे करना पड़ेगा। और ऐसे फूलों वाले प्लांट में आप आफ्टर 15 डेज और आफ्टर 1 मंथ आप इसको स्प्रे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे ये जो 2 लीटर का स्प्रे बॉटल है इसमें मैं सिर्फ 2 बूंद दूंगी, 2 ड्रॉप्स मैं इसमें दूंगी। देखे, मैं अपने सारे जो फूलों वाले प्लांट से और फ्रूटिंग प्लांट से उसमें मैं स्प्रे करूंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैं इसमें ये 2 ड्रॉप मैंने दे दी है इसमें, और अब मैं इसको स्प्रे कर दूंगी अपने सारे प्लांट्स पे। फ्रेंड्स, अब मैं इसको थोड़ा पंप करके अपने सारे जो प्लांट्स है मेरे उसमें स्प्रे करती जाऊंगी। जो सारे प्लांट है उसको ये स्प्रे कर दिया है अच्छे से, इसको एकदम नहला देना है इसको स्प्रे से, ताकि ये बहुत अच्छे से, मैं ये अपने ओरिएंडर जो है, कनेर जिसको कहते हैं, इसमें भी मैं ये स्प्रे कर रही हूँ। आप इसको महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार जरूर कर सकते हो। इसमें कोई साइड इफेक्ट, उतना हार्मफुल इफेक्ट इसमें नहीं है। ये है तो एक केमिकल लिक्विड ही, केमिकल फर्टिलाइजर, लेकिन ये उतना हार्मफुल नहीं है। मैं भी ये पहली बार ही कर रही हूँ, तो शॉप वाले ने मुझसे कहा कि आप इसको यूज करके देखिए। इसको मैं अपने प्लांट पे अप्लाई करके देखूंगी इसका इफेक्ट क्या आता है। मेरे यहाँ पे जो कुछ प्लांट्स है मैं नर्सरी से लाई थी उस पे भी मैं इसको थोड़ी स्प्रे कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हो तो आप इसको यूज करके, इसको अप्लाई करके अपने प्लांट पे देख सकते हो। आई थिंक ये उतना हार्मफुल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मेरे नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो
तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे जो नए नए वीडियोस के अपडेट है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टाटा।